हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आजकल जैसे कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी गर्मी है हर जगह पे। तो देहरादून में भी देखिए काफ़ी गर्मी है। तो मैं आज ले चलती हूँ आपको हरियाली की ओर। और ये है हमारे घर से काफ़ी नज़दीक पे डिफेंस कॉलोनी है। ये तो देहरादून का फेमस इलाका है, ये डिफेंस कॉलोनी जो विधानसभा रोड पर स्थित है। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा इलाका है, सड़कें वगैरह काफ़ी खुली खुली हैं, लगभग 60 फीट तक की सड़कें होंगी और काफ़ी सुंदर है। मैं आपको दिखाती हूँ और चलिए चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, ये है शाम का व्लॉग। शाम के लिए हम गए थे वॉक के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है इवनिंग मॉर्निंग वॉक के लिए। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे वॉक करने आते हैं। तो ये है डिफेंस का एरिया। तो डिफेंस का एरिया मतलब आर्मी वाले रहते हैं यहाँ पे सारे, और घरों में ज़्यादातर कोई रहता है नहीं, बड़े बड़े बंगले हैं और सब लोग ज़्यादातर बाहर रहते हैं और सीज़न पे ही आते होंगे शायद से, इसीलिए यहाँ पे इतने खाली खाली सा है। तो और जगह के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, पेड़ पौधे काफ़ी लगाए हुए हैं। और घर भी देखिए काफ़ी सुंदर, ज़्यादातर घर वाइट क्रीम लाइट कलर के आपको दिखेंगे। और पेड़ पौधे हरियाली बहुत सुंदर सुंदर, लीची के बगीचे, आम के बगीचे काफ़ी हैं यहाँ पे, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे लोग वॉक करने के लिए आए हैं। तो आगे चलिए और अब दिखेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर से घर, सुंदर सुंदर से पेड़ पौधे, कई प्रकार की यहाँ पे प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, एक बार आप ज़रूर आइए डिफेंस कॉलोनी। साढ़े सात बजने वाले हैं यार, अभी भी मौसम देखिए कितना दिन अभी। चलते चलते हम आगे पहुंच गए खूबसूरत से बंगलों पे, जैसे मूवीज़ में, फिल्मों में और सीरियल्स में जैसे शूटिंग होती है, सेम उसी टाइप का था ये बंगलो। और इसमें कोई रहता है नहीं, तो खाली देखभाल के लिए कोई रखा हुआ है। और ये देखिए कितना सुंदर सा, एकदम बहुत ही बेहतरीन बंगला है ये। और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से बाहर से भी, ये किसी ब्रिगेडियर का घर है शायद से, मैंने वहाँ पे देखा था नाम। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा सब में। और सबसे ख़ास बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे पूरे इलाके में कोई भी एक सिंगल दुकान नहीं है, जो भी जाना है तो बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ट्रैफिक वगैरह मतलब दुकानें वगैरह कुछ नहीं रखी हुई हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे अच्छे से रखा हुआ है। तो ये केवल एक इलाका, एक मतलब एक छोटी सी सड़क कह सकते हैं वो थी ये, और बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे हम गए नहीं। इतना ही जाने में काफ़ी टाइम लग गया और लगभग 1 किलोमीटर तक हमने वॉक की। तो इससे ज़्यादा और बड़ा है यहाँ पे देखने के लिए। तो अगर आपको टाइम लगे तो एक बार ज़रूर आ सकते हैं डिफेंस कॉलोनी में। तो बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यह है देहरादून का एक इलाका, ये पर्सनल आर्मी वालों का है, डिफेंस का। तो आर्मी वालों का एरिया बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा रहता है जो देखने को मिल गया। और यहाँ पे ज़्यादातर ओल्ड लोग रहते हैं, ओल्ड मतलब वॉक करने के लिए भी जो आए थे, तो ओल्ड लोग और जो इनके बच्चे शायद बाहर रहते हैं तो बाहर से कभी कभी आते हैं। जैसे कि मैंने किसी से पूछा भी तो वो कह रहे थे बाहर रहते हैं यूएस से उनके बच्चे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें।
मिला हमको एक सूखा पेड़, और ये देखिए इसको भी अच्छे से डेकोरेट करके रखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे तो और भी ज़्यादा घने वृक्ष हैं। तो फाइनली हमको बाइक मिल चुकी है और हमने 1 किलोमीटर के करीब वॉक की, और यहाँ पे बाइक है और इससे अब हम जाएंगे घर। 5 मिनट का रास्ता हमारे यहाँ से, और उधर देखिए कितनी पब्लिक है, और इधर है केवल अच्छा सा मौसम। नहीं नहीं ये तो है अच्छा वो, हाँ। तो अब बैठते हैं हम और घर को जाते हैं। चलो बैठ, इस वीडियो का भी यहीं पे एंड करते हैं। बैठ जा बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।